सो आई पर्सनली प्रिफर टू वर्क ऑन Zerodha. अब ये अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, अब इंशाल्लाह इसमें आगे मैं कुछ सिंपल स्टेप्स बता देता हूं. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, स्टॉक ब्रोकर के जो है वेबसाइट पर जाएंगे और डिटेल्स को फिल करेंगे. इसका आपको इंशाल्लाह वीडियो ऑलरेडी दिया गया है और इंशाल्लाह भी एक वीडियो शेयर किया जाएगा आपको आफ्टर द क्लास. वो प्रोसेस मैं आपको सिंपल से एक ओवरव्यू बता दूंगा यहाँ पर. एक मिनट, चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है Zerodha.com पर. जाने के बाद आपको क्लिक करना है, अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साइन अप. सो इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर एंटर करूंगा जो भाई का मैं अभी बना रहा हूं. ये फॉर सिक्योरिटी रीजन उसको ब्लर कर दिया जाएगा, लेकिन आप अपना खुद का नंबर जो आधार कार्ड से कनेक्टेड है वही नंबर अप्लाई करना है. इसके बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए. ठीक है, ये ओटीपी एंटर करने के बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे. और यहाँ पर आपको नेम, जो एक्चुअल आपका पैन कार्ड पे नाम है, वो नाम देना होगा @gmail.com. तो ये ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं. अब ये कंटिन्यू करने के बाद में आपको जो है एक ईमेल आएगा, वो ईमेल पे भी आपको एक ओटीपी आएगा. फॉर योर ईमेल वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है अभी, तो पहले ओटीपी फोन वेरीफाई हो चुका है, अब उसके बाद ईमेल. अब ईमेल पे आया है इनका वेरिफिकेशन नंबर. चलिए अब पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, ये डेटा हम ले लिए, फिर इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे. अब यहाँ पर ये जो है इक्विटी है, FNO है, करेंसी है, कमोडिटी है. देखिए करेंसी और कमोडिटी में हमको ट्रेड नहीं करना, वो जैसा मैंने बताया इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. और फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी हमारे लिए नहीं है क्योंकि वो भी डेरिवेटिव्स है, तो ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और यहाँ पर ये जो है हमारा अमाउंट ₹200 इस अकाउंट ओपनिंग की फी होती है Zerodha की, वो हम ऑब्वियसली पे करके प्रोसेस कर लेंगे. तो यहाँ पर इनका जो UPI हैंडल है डन, ये पेमेंट भी हो चुका है यहाँ पर. ओके डन. अब ये पेमेंट होने के बाद में ये ऑटोमेटिकली, अब देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे आधार KYC यानी जो हमारा डिजिटल आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा. सो कंटिन्यू टू डिजिटल लॉकर. अब यहाँ पर ये जो है आधार का नंबर मांगेगा, वेरीफाई होगा, OTP आएगा आपके कनेक्टेड नंबर पर. आपका जो मोबाइल कंपलसरी है, आपका आधार कार्ड जो नंबर आपने पहले दिया है वही नंबर से आपका जो है OTP कनेक्ट होना है. डन, ये भी मैंने कंटिन्यू कर दिया है. ये हमारा आधार का वेरिफिकेशन हुआ है. एंड देन यहाँ पर यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, प्लीज एंटर योर 6-digit डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन नंबर है. ओके, पेरेंट नेम फर्स्ट नेम, फादर फर्स्ट नेम, फिर मदर्स फर्स्ट नेम, पूरे डिटेल्स होना है. और बैकग्राउंड एनुअल इनकम इतनी है ना इसके बीच, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस न्यू कैलेंडर वंस. ऑक्यूपेंस क्या लिखूं, वर्किंग प्रोफेशनल. ओके चलिए, नो नो मदर नेम, ये डिटेल्स पूरे जो है वेरिफिकेशन और कुछ है. राइट दोस्तों, और यहाँ पर नो पॉलिटिकल एक्सपोर्ट है, नो लिखिए और इस पे यहाँ पे फिर कंटिन्यू कर लीजिए. ठीक है, आपका जो है UPI ID बोलो जिससे आपको कनेक्टेड है, जिससे आपका एड्रेस वगैरह पूरा कनेक्टेड है. सब बैंक IFSC कोड है KKB के, कितने जीरो से 1 2 3 4 7 5 सेलेक्ट. IMSRC कोड क्या रहता, ऑटोमेटिक ले लेता क्या वो, KPHP बराबर हैदराबाद. ओके आई थिंक इंशाल्लाह हो जाना चाहिए. ये पूरे सेलेक्ट करना होगा अपने को, ये ऑप्शन सेलेक्ट करके देन क्लिक कंटिन्यू. ऑल राइट, अब जो है एक वेरिफिकेशन अलाउ करने के इसके बाद देखिए दोस्तों इनकम प्रूफ अपलोड करना ये ऑप्शनल है. बैंक स्टेटमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन FNO अगर कर रहे कोई तो उनके लिए जरूरी है. और आप एक पेपर पे सिग्नेचर कर दो, एक ब्लैंक पेपर पे
पेन से सिग्नेचर करो आप, वरना फिर एक बार वो रेस्पॉन्ड करेगा कि भाई आपको फिर एक बार अपलोड करना पड़ेगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, वरना तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। आई थिंक डन, परफेक्ट। चलिए इसके बाद है हमारा पैन कार्ड भी है मेरा, इनके पास इनका पैन कार्ड भी है, तो अपलोड कर दिया मैंने, वो भी डन। चलिए अब ये तमाम चीजें होने के बाद में सिंपली अब मैं आगे कंटिन्यू कर लूंगा। एंड नॉमिनी यानी अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम हो तो नॉमिनी किसको रखना चाह रहे हैं, नॉमिनी किसको रख रहे हैं आप, फादर नेम लगा दे। हाँ, नेम नाम ऑलरेडी है ना, ये स्किप कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, ये कभी भी नॉमिनी रख सकते हैं। डन। एंड द लास्ट स्टेप इज टू डिजिटली साइन योर एप्लीकेशन फॉर्म, वी विल ईमेल यू लॉग इन क्रेडेंशियल्स वंस योर फॉर्म इज वेरीफाइड। ओके डन, ई साइन। ये प्रोसीड फॉर ऑल द ऑप्शंस। ओके, आधार ओटीपी आता, देखो ओटीपी बोल दो हो जाता, वेरीफाई, दैट्स आधार डिजिटल सिग्नेचर है समझिए इसका। एंड होपफुली ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो आपका जो है अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा 1 से 2 दिन में, वरना आपको जीरोधा के पास से मैसेज आएगा कि भाई ये प्रॉब्लम था या कोई और इश्यू था, तो वो जो है आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। वरना तो मैक्सिमम अगर पूरा प्रोसेस सही हो गया, देखिए ये तमाम प्योरीफाई हो गया, ये भी परफेक्ट, ये देखिए पूरा अपना डॉक्यूमेंट है जो आपका, आपने अपने सिग्नेचर से जो हमने अभी किया था ना प्रोसेस, उसके हिसाब से ये पूरा वेरिफिकेशन भी हो चुका है। स्टेप के बाद आपको फाइनली जो है साइन अप पर क्लिक करना होगा और जीरोधा पे जाकर वहाँ पर आपको जो है कंप्लीट फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा और अराउंड 72 आवर्स के अंदर अंदर आपका जो है जीरोधा अकाउंट का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और साथ ही साथ आपको जीरोधा जो है मेल के जरिए तमाम लॉगिन डिटेल्स दे देगा।